देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज बात कांग्रेस की हार पर। पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दोबारा हमला बोलते हुए कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हार गए और हार की फजीहत भी ऐसी कि उस हार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव के लगातार हमलों ने फिर एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बीच पैदा हुए मतभेद को आग दे दी है। चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अजय यादव ने विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। कैप्टन अजय यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान 2 साल पहले ही मुख्यमंत्री बदल देता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। सरकार की लीडरशिप में अगर 2 साल पहले अगर परिवर्तन लेके आ जाते और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर 4 दे देते तो मैं समझता हूँ कि ये हालात नहीं होते हमारे। 2005 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, सरकार उन्होंने बनाई, तो सारा कुछ मैं जो जिसे कहते हैं जीत का जो है श्रेय, सरकार बनने का श्रेय उनको मिला, अब हारने का श्रेय किसको मिलना चाहिए। महज 15 सीटों पर सिमट कर रह जाने वाली कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा हमला बोलना साफ बयां करता है कि कैसे कांग्रेस एक होकर भी बिखर रही है। केंद्रीकरण और हुड्डा की राजनीति से परेशान कई लोगों ने कांग्रेस तो छोड़ दी, लेकिन अब लगता है कि ये अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आएगी। बहरहाल कैप्टन अजय यादव का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार हमला करना साफ बयां करता है कि कांग्रेस की ये गुटबाजी फिलहाल सुलझने नहीं वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ जब कैप्टन अजय यादव ने इस तरह का बयान दिया हो और हार का जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया हो और नेतृत्व पर सवाल न खड़े किए हो। हारने से पहले कैप्टन अजय यादव से हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू ने खास बात की, उसमें भी कैप्टन अजय यादव ने यही बात कही थी। आपका ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से यहाँ प्रोजेक्शन पहले हो रही थी हरियाणा नंबर 1 हुड्डा सरकार, अब वो कलेक्टिव एफर्ट अगर हम दिखा रहे तो उसका मैसेज एक अलग जा रहा है। आपका अलग, ये कहने का ये मतलब? ये अलग मैसेज आएगा उसका, अब जा भी रहा है। लोग कहते हैं कि नवीन जिंदल है, महेंद्र प्रताप जी है, उधर जो है किरण चौधरी की भी फोटो दिखाते हैं, पर छट्टा साहब की भी फोटो दिखाते हैं, उसमें आफताब अहमद की फोटो भी दिखाते हैं कि पार्टी जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है। कोई भी एक पार्टी अपनी जेब में नहीं डाल सकता। पार्टी जो है वो उसके हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है और उनके नेतृत्व में जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है फिर कहीं कि पार्टी वन मैन शो बन रही थी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जरूरी है ये ना लगे कि केवल पार्टी जो है एक इंसान की है। ये पार्टी है, हम कैबिनेट में बैठते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी घोषणा करनी पड़ती है जो भी होती है उस पर सारा दरमदार हमारे ऊपर भी है कितना। हाँ। और वी आर वन ऑफ, ही इज अ चीफ मिनिस्टर बट ही इज माई कुलीग, ही मे बी चीफ मिनिस्टर बट ही इज माई कुलीग। मैं 6 दफा लगातार बना हूँ और पिछली बार जो है मेरा नाम भी चला था मुख्यमंत्री के लिए। हाँ। लेकिन मैंने, मेरे पास क्योंकि उस वक्त जो ये मुख्यमंत्री थे इनके पास 4-5 इंडिपेंडेंट्स थे, तो मैंने फिर सोनिया जी से कहा कि ये आपने विचार करना है क्या करना है, तो उन्होंने उनके हक में फैसला। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नवजोत, हार के बाद इस तरह का बयान क्या कुछ मायने निकाले जाए? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बयान भी सुनवाया जिसमें पहले भी यही बात कैप्टन अजय यादव ने कही थी, नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। करमचंद शर्मा कांग्रेस नेता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। करमचंद जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा लाउडली बोले सर जी। करमचंद शर्मा जी, मेरा सवाल यह है, कैप्टन अजय यादव का जो बयान आया है, हार के जिम्मेदार उन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया है। मैं फॉलो नहीं कर पाया सर, क्या बोला आपने? करमचंद शर्मा जी, सवाल यह है कि
कैप्टन अजय यादव जो कि पूर्व बिजली मंत्री हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने सीधे सीधे हार की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेतृत्व यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डाल दी है, उसका ठीकरा फोड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सर, ये तो अभी तो हुड्डा साहब ने पहले दिन ही बोल दिया कि ये मेरे नेतृत्व में हुआ इलेक्शन और वो हार को स्वीकार किया उन्होंने। लेकिन अगर ये कह रहे हैं, देखो ये तो सभी देश के अंदर, यानी जब मैं बाहर था ये साथ में सभी साथ में बिजली मंत्री साथ में ही थे, लेकिन जो ठीक है इन्होंने पहले कोशिश की जाने की छोड़ने की भी, लेकिन हमारे साथ ही इन्होंने फाइट किया है, इलेक्शन भी इन्हीं के द्वारा किया कराया गया है, सभी साथ थे, हम इकट्ठे मिलके इलेक्शन हुआ ये। लेकिन अभी ये ऐसा कहते हैं तो इनकी इच्छा कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो पहले स्वीकार कर लिया हुड्डा साहब। लेकिन करमचंद शर्मा जी, इलेक्शन मेरे नेतृत्व में हुआ है और मैं मानता हूँ हार है तो मेरी हार है। लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त अलग अलग बयानबाजी होना तो समझ में आता है, लेकिन जब हार गए उसके बाद भी सिर्फ फटोवल वाली स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है, एक के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर चुनाव से पहले जिस तरह से कटघरे में कांग्रेस नेतृत्व को खड़ा किया जाता रहा, कई नेता इस सिलसिले में पार्टी से किनारा भी करते चले गए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की स्थिति अब हो चली है अगले 5 साल के लिए? अभी उसको मजबूत करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, ऐसी बात नहीं है। और ये जो हुआ है ये सभी छोड़ छोड़ के भाग रहे हमारे नेता, उसको सोचना चाहिए था, जिस घर के अंदर रहे जिस थाली में खाए उसी में छेक करके चल रही है, हम तो क्या कहें, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हाँ ये हम वाकई मानते हैं कि जो भी इलेक्शन हुआ ये हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया, तो अभी हमें किसी पे ठीकरा नहीं तोड़ते हम। चलिए ठीक है, करमचंद शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए। नवजोत सिंह सिद्धू हमारी मैनेजिंग एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवजोत, हार के बाद जो बयान आया है कैप्टन अजय यादव का, उसके आप क्या मायने निकाले जाएं, चूंकि अब हार गए हैं, अब ऐसा कोई रणनीति के तहत ये कोई बयान दिया गया हो इस तरह की बात अब सामने नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समझने की जरूरत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय यादव की जो तनातनी है वो चुनाव से पहले भी देखने को मिली थी, वो उनसे नाराज चल रहे थे। फिर कैप्टन अजय यादव के बेटे को टिकट नहीं मिला, ये एक बेहद अहम वजह थी जिसकी वजह से उनकी नाराजगी अक्सर सामने आ रही थी। और ये जो अभी आपने बातचीत हमने दिखाई दर्शकों को, जो मेरे साथ उनकी बातचीत हुई थी कैप्टन अजय यादव की, तभी वो बहुत खुलकर ये बात कह रहे थे कि पार्टी वन मैन शो बन के नहीं रहनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। फिर उसके बाद जिस तरह से उनका आउटबर्स्ट हमने देखा जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिली, तो यकीनन ये वो सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। और पार्टी में मतभेद रहे हैं कांग्रेस में, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इसी वजह से बहुत से लोग पार्टी से अलग भी हो गए थे। अब वो पूरा का पूरा ब्लेम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपनी हार का या पार्टी की हार का लगा रहे हैं, तो ये उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेशन भी है, वो नाराजगी भी है, बहुत सी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी में मतभेद थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबको साथ लेकर चलने में नाकामयाब रहे, इसी वजह से बहुत से लोग अलग हो गए, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन नवजोत, जो बयान आया है हार के बाद भी, ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार कैप्टन अजय यादव ने ये बात कही हो, लेकिन जो तमाम नेता पार्टी से चुनाव के दरमियान अलग होते चले गए, बड़े नेता, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, तो अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशन से इस चीज को देखा जाए, अलग अलग चीजों को जोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व ही कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल वही कटघरे में है, और मुखिया जो थे प्रदेश के और जिनके हाथ में बागडोर थी पूरी पार्टी की, वही सवालों के घेरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप सबसे बड़ा अहम देखें कि रोहतक में विकास सबसे ज्यादा हुआ, इस बात को लेकर सबने मुद्दा भी बनाया और वही रोहतक की सीट बीबी बत्रा हार गए, तो ये अपने आप में सवालों के घेरे में है कि आप वहीं के लोगों को नहीं साथ लेकर चल पाए, वहां की सीट भी नहीं जीत पाए, तो पूरी जो है वो तो सवालों में रही है और लीडरशिप का सवाल तो सब उठाते रहे। कुमारी शैलजा ने भी हार के बाद ये बयान दिया था, जो राज्यसभा सांसद हैं, कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। अब उसी के चलते उसी को आगे बढ़ाते हुए कैप्टन अजय यादव भी कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर तो सवाल खड़े करते रहे हैं पहले भी और आज भी खड़े हैं, तो लेकिन एक बात जो निकलकर फिर से सामने आती है कि अभी भी हरियाणा कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है।
बिल्कुल, जहाँ पर आपसी मनमुटाव भेदभाव लगातार बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस अगर अपने रिवाइवल की बात करती है या फिर एक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करती है, वो जब आपस में ही एकजुट नहीं है तो विपक्ष की भूमिका क्या निभाएगी, रिवाइवल कैसे होगा, ये एक अहम सवाल है जो खड़े होते हैं, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या अब लीडरशिप में बदलाव होगा नहीं होगा, ये कुछ अहम सवाल है जिन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष में रहने के लिए भी एक साथ एक मंच पर होना बहुत जरूरी है, बहुत अहम बात आपने कही। हमारे साथ जगदीश नेहरा बीजेपी से जुड़ गए हैं। जगदीश नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। कांग्रेस के अंदर हार के बाद जिम्मेदारी किसकी हो, इसको लेकर सिर्फ फटोवल की स्थिति अब जो है वो बनती नजर आ रही है। कैप्टन अजय यादव ने हार की जिम्मेदारी का ठीकरा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पर फोड़ दिया है, क्या कोई प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? जी, जो वो ठीकरा नहीं फोड़ रहे, वो वास्तविकता कह रहे हैं। ठीकरा तो वो होता है चाहे वो गलत हो, ठीकरा तो कोई फोड़ सकता है, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि जो हरियाणा कांग्रेस थी वो हुडा कांग्रेस हो गई। तो वो सरकार भी वो चलाते थे, पार्टी भी वो चलाते थे, तो अब जिम्मेवारी और कौन लेगा? जिम्मेवारी उनको भी लेनी थी, ये हुडा जी को, उन्होंने सारा कुछ किया है और 10 साल में उन्होंने कई बातें की। एक तो समान विकास की तो बात थी ही, लेकिन उन्होंने बड़े नेताओं को नहीं, वर्करों को भी इग्नोर किया। वर्करों के बहुत से पद खाली पड़े रहे, हमने बहुत बार कहा, 3-4 साल पहले से लगातार कहते रहे कि जो नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, जो खाली पड़ी हैं, उनमें वर्करों को एडजस्ट किए जाए ताकि वो वर्कर साथ लगे। जैसे मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, इसी तरह कॉर्पोरेशन बोर्ड के हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, इसी तरह जिला की डेवलपमेंट कमेटियां हैं, इसी तरह विभाग की कमेटियां, एडवाइजरी कमेटियां हैं, ऐसे वकीलों के पैनल है, ऐसे 7-8 हजार पोस्ट हैं, वो 10 साल तक खाली रही। अब ये समान विकास, एक तो पैसे खर्च होने में भी जिलों में फर्क था, नौकरियों में भी फर्क था, वर्करों को भी साथ नहीं लेके चले, तो ये काम तो सारा हुडा जी का था। अब हुडा जी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? ये ठीकरा नहीं फोड़ा, ये वास्तविकता है जी। लेकिन जगदीश जी, हार की जिम्मेदारी एक ही शख्स के ऊपर आ जाए, चूंकि राजनीति और चुनाव का जब टाइम होता है तो कलेक्टिव वहां पर एफर्ट्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग लोग कैंपेनिंग करते हैं, कई सारे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, सोच समझकर रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन क्या आप मानते हैं वाकई में जो घोषणा मुख्यमंत्री का टैग जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लग चुका था, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह थी जो हार के कगार पर ले आई कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री हुडा ने 10 साल तक अपनी पूरी चलाई, जैसे मैंने कहा, विकास का भी, नौकरी का भी, वर्करों को साथ लेके ना चलना, लीडरों को साथ लेके नहीं चलना, खुद की चलानी। अब चुनाव तो 20-21 दिनों का होता है, उसमें क्या हो सकता है? अब जब 10 साल तक कुछ नहीं हुआ तो 20-21 दिनों में क्या हो सकता था? तो जिम्मेवारी हुडा भी अब नहीं ले रहे तो और कौन लेगा? कौन लेगा? कोई एंकना मिनिस्टर लेगा, कोई MLA लेगा, या कोई वर्कर लेगा? लेगा तो वही जो हेडिंग हेड था पार्टी के भी, वही हेड टाइप थे, और आपके सरकार के भी वो हेड हैं। अब जिम्मेवारी और कौन लेगा बताएं? जगदीश नेहरा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। करमचंद शर्मा जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए सियासत में। फिलहाल के लिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का, पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। फिर समय अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, हारने से पहले कैप्टन अजय यादव ने हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। आपका ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से यहाँ प्रोजेक्शन पहले हो रही थी हरियाणा नंबर वन हुडा सरकार, अब वो कलेक्टिव एफर्ट अगर हम दिखा रहे तो उसका मैसेज एक अलग जा रहा है। आपका अलग, ये कहने का अलग मैसेज आएगा, उसका अब जा भी रहा है। लोग कहते हैं कि नवीन जिंदल हैं, महेंद्र प्रताप जी हैं, उधर जो है किरण चौधरी की भी फोटो दिखाते हैं, पटछटा साहब की भी फोटो दिखाते हैं, उसमें आसफ अहमद की फोटो भी दिखाते हैं कि पार्टी जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है। कोई भी एक पार्टी अपने जेब में नहीं डाल सकता। पार्टी जो है वो उसके हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है और उनके नेतृत्व में जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है फिर कहीं कि पार्टी वन मैन शो बन रही थी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जरूरी है ये ना लगे कि केवल पार्टी जो है एक इंसान की है। ये पार्टी है, हम कैबिनेट में बैठते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी घोषणा करनी पड़ती है जो भी होती है उस पर सारा दरमदार हमारे ऊपर भी है कितना। और वी आर वन ऑफ, ही इज अ चीफ मिनिस्टर बट ही इज माई कुलीग, ही मे बी चीफ मिनिस्टर बट ही इज माई कुलीग। मैं 6 दफा लगातार बना हूँ और पिछली बार जो है मेरा नाम भी चला था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन मैंने, मेरे पास क्योंकि उस वक्त जो ये मुख्यमंत्री थे इनके पास 4-5 इंडिपेंडेंट्स थे, तो मैंने फिर सोनिया जी से कहा कि ये आपने विचार करना है क्या करना है, तो उन्होंने उनके हक में फैसला। इनेलो से राजीव जेटली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जेटली साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जेटली साहब, आवाज आ रही है आपको? सर, कांग्रेस के भीतर जो सिर्फ फुटोवल वाली स्थिति अब पैदा हो गई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो, चुनाव से पहले भी ये देखा गया, कैप्टन अजय यादव एक ऐसा नाम कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ही आवाज बुलंद करता रह गया, लेकिन कांग्रेस ने नेतृत्व को नहीं बदला। अब चूंकि हार की कगार पर कांग्रेस पहुंच गई, वहां पर आकर फिर से कैप्टन अजय यादव यही बात दोहराते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वही कहीं ना कहीं हार के लिए जिम्मेदार है। कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में रह गए हैं, वो आप कहीं ना कहीं मौका तलाश रहे हैं कि उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जी। जैसे आज कैप्टन साहब की बात मैं अभी सुन नहीं पाया, थोड़ी सी सुन पाया हूँ, मेरे को ऐसा लगा जैसा उन्होंने बताया कि मेरा भी नाम मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा था। जी। तो शायद हो सकता है कि हर आदमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता हो कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इस बुरे वक्त के अंदर हर व्यक्ति सोचेगा कि शायद मेरा नाम प्रोजेक्ट कर दिया जाए, वो आगे सरकार बना पाए या ना बना पाए, एटलीस्ट वो विपक्ष के नेता बनकर रहे, शायद ये एक मंशा जरूर हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आगे के लिए रास्ता तलाशने की कोशिश जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं वो शायद करें। बहुत शुक्रिया जेटली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, ये बताएं जो कांग्रेस की स्थिति अब हो चली है हार के बाद, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कवायद में सब जुटे हुए हैं, कैप्टन अजय यादव का हाल ही में बयान आया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार के लिए जिम्मेदार हैं, जो नेतृत्व है कांग्रेस का जो चुनाव में रहा वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, एक पक्ष तो वो है जो जेटली साहब बोल रहे थे,
उसके साथ मेरा मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बोलने का अधिकार उसे है, कम से कम तो खुद तो जीता हुआ हो जी, वो खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं। प्लस उस सीएम की दावेदारी की बात कर रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, मतलब मेरा नाम आ जाना चाहिए था सीएम के लिए जी। आप सीएम की दावेदारी की बात करते हैं, आप अपनी सीट बचा नहीं पाते हैं और पूरे अहिरवाल के अंदर पूरे अहिरवाल में कोई सीट नहीं जीता पाते आप। और एक्चुअली जब ऐसा बुरा समय आता है किसी भी पार्टी पे तो होता ये है कि जो सो कॉल्ड बड़े लीडर होते हैं उन लोगों को दो दो तीन तीन चार चार सीटें जिताने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेते हैं, तब वो पार्टी सरवाइव कर पाती है। लेकिन उनके उनके एक्शन में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, वो अपने रेवाड़ी से बाहर निकल नहीं पाए और निकल तो पाए नहीं, खुद अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो इन हालात में ये बातें या ये बयान देना मेरे हिसाब से किसी हिसाब से अच्छा अच्छे संकेत नहीं है उनके लिए भी। और अभी दो दिन हारे हुए हुए हैं और अगर वो ये चाहें कि हारने के बाद भी मुझे प्रोजेक्ट किया जाए, एक्चुअली क्या है कि अब अध्यक्ष वगैरह या जनरल सेक्रेटरी वगैरह या सेक्रेटरी वगैरह शायद उसके चक्कर में अब ये लोग होंगे, क्योंकि अब रीशफलिंग तो कांग्रेस में होगी जी, स्टेट लेवल पे भी और सेंटर लेवल पे भी, तो उसमें कहीं कोई अच्छी जगह उन्हें मिल जाए ऐसी शायद उनकी सोच रही होगी। नहीं, क्या ये जरूरत आ पड़ी है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि 10 साल शासन किया, कम नहीं होते 10 साल, अब ऐसे में क्या ये स्थिति या इस मोड़ पर कांग्रेस अब आ चली है कि कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन लाया जाए और जो चेहरा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन चुनाव में रहे उनको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश में कांग्रेस हाईकमान जो कि दिल्ली में बैठा है वो तय करेगा? आप ये बताइए, हुड्डा जी का अगर हम देखें, वैसे तो उनकी ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे हरियाणा की थी, चलो वो हरियाणा में पूरे में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो उनका अपना एरिया है, अपना गढ़ था, वो उन्होंने बचाया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे ही 5-7 लीडर अगर होते और वो 10-10 सीटें अपने अपने एरिया से जिता देते, तो 10 भी नहीं 5-5 भी जिता देते, तो आप फिर कोई सरकार बनाने की पोजीशन में होते। लेकिन ऐसा लीडर और कोई दूसरा है ही नहीं हरियाणा के अंदर, ये सोचिए ना। तो बेशक अगर उन्हें रिप्लेस करती भी है कांग्रेस, वो मामला कांग्रेस का है, कर सकती है कांग्रेस, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब उन्हें कोई ना कोई तो अब नया प्रयोग करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन मुझे अभी तो लगता नहीं कि भाई हुड्डा जी से कोई मजबूत आदमी इनके सामने हरियाणा में कम से कम मुझे कोई नजर आता नहीं है। बहुत विकल्प के तौर पर कोई दूसरा चेहरा नहीं आप देख पा रहे हैं? लेकिन ये तय है, अभी बदलाव होंगे, सेंटर लेवल पे भी होंगे, इनके आईसीसी में भी होंगे और हरियाणा में भी होंगे, तो वो उनमें आप बदलाव की बात नहीं, आपको काम करके दिखाना होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता, आज ही हार गए 5 साल बाद ये जीत जाएंगे फिर से। लोग जो हैं हरियाणा के वो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हैं, रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट लेते हैं। लेकिन 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 कौशिक साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लगता है आपको जरूरत उस मोड़ पर भी कांग्रेस आ गई है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, आप क्या समझते हैं? नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब जो नए लड़के आ रहे हैं, नए जो यूथ ब्रिगेड है इसके पास, तो वो कब काम करना सीखेंगे और कब जिम्मेवारी लेना सीखेंगे? चलिए, अब उनमें से लेके आके और उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया योगेश कौशिक साहब आपका इस पूरी बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के अंदर अब जो है कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की जो दरकार है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है, ऐसा कैप्टन अजय यादव ने भी संकेत दिया चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वो इस तरह का बयान देते रहे। इसी के साथ सियासत में आज के लिए इतना ही, हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।